आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर एक तरीके से जो यूरोपियन फील है वो देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चेकआउट का डे है ऊटी जोस्टल से और अब हम जा रहे हैं मैसूर, जो कि तकरीबन 127 किलोमीटर दूर है और बाय रोड ट्रांसपोर्ट तुम्हारा भाई जाएगा। सामान वामान सब पैक कर लिया और अभी सस्ट वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई चेकआउट का टाइम है कोई मुझे नीचे तक छोड़ दे, क्योंकि 1 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा बस स्टैंड से। बस की टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं गया। पहले नीचे पहुंचेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बस ढूंढेंगे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 127 किलोमीटर, तो 4-4.5 घंटे में पहुंचेंगे। तकरीबन 5-6 बजे हम पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं मैसूर, पहले उसके लिए बस स्टैंड पे पहुंचते हैं नीचे और देखते हैं अगर कोई भाई हमें लिफ्ट देता है। तो ये है जी ऊटी का बस स्टैंड। आप जोस्टल से आ गए नीचे और मेरे को ये जो गाड़ी खड़ी है इधर, इसमें लिफ्ट मिल गई क्योंकि जोस्टल से ही चेकआउट कर रहे थे। तो कुल मिला के मेरे टैक्सी के पैसे बच गए 50-60 रुपए। मैसूर के लिए बस ढूंढनी पड़ेगी। द बेस्ट पार्ट, इन्होंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, अदरवाइज केरला में तो भाई फुल मलयालम में लिखा हुआ था। ओके, मैसूर बस इज देयर, सी दिस ब्लू। तो अभी ये हमें मिल गए मैसूर की बस, ये वाली। सो अगर आप इधर से एंटर करेंगे और मैसूर के लिए जाना तो ये है, उसके बराबर में बेंगलोर है और उसके बराबर में गुडलूर। बस हमने ले ली थी बस स्टैंड से और टिकट का प्राइस मैं बताता हूँ 170 रुपये है और तकरीबन हमें चले हुए 2 घंटे हो गए, 10-10:30 बजे करीब चल गई थी और अभी तकरीबन वक्त है 12:30 का। नज़ारे जब ऊटी से आप निकल जाएंगे तो थोड़ा सा ड्राई जंगल आने लगेगा। और एक एडवाइस मैं यहाँ पर देना चाहूँगा लोगों को, जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो कोशिश करो अपना फ़ोन मत यूज़ करो। जो सराउंडिंग्स में आपकी चीज़ें जा रही हैं, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, उसको ऑब्जर्व करो। एंड उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल सकता है बिजनेस स्टार्ट करने का, अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं। मैसूर बस स्टैंड पर उतर गए हैं। तकरीबन 6 घंटे का वक्त इस बस ने मुझे लिया। ऊटी से हम 10 बजे चले थे और अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं पूरे। अब मुझे यहाँ से मेरा जो मैंने होम स्टे या हॉस्टल लिया है 3.4 किलोमीटर अवे है, तो अब मुझे वो ढूंढना और ATM से पैसे लेने हैं। और ये मैसूर की जो स्ट्रीट है वो ये। ऑलराइट गाइड्स, तो हम यहाँ पर पहुँच गए द बंकस आश्रम में। 400 रुपये इन्होंने चार्ज किए हैं, फीमेल्स का 374 या 370-380 का। थोड़ा सा दूर है, 3 किलोमीटर दूर है मेन बस स्टैंड से, तो आप पैदल आ सकते हैं। मैंने ऑटो का एक्चुअली प्राइस नहीं पूछा क्योंकि दिन का टाइम था, तो 3 किलोमीटर तो हम पैदल चल ही सकते हैं। इसलिए मैं आगे गया। आपका इंटीरियर है नीट एंड क्लीन है, रोम जैसे नॉर्मल हॉस्टल्स में होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये इसका रिसेप्शन है, ये यहाँ पर रूम है, ये हमारा रूम। थोड़ा छोटा लग सकता है, 6 रोम बेड है। और मैं आपको एक बार इसका वॉश, ये इसका किचन है। यहाँ कॉमन एरिया अगर आप खाना वाना खाना चाहते हो, किचन है। तो इनकेस अगर आप बुक करना चाहते हैं 400 रुपये में। थोड़ा सा 3 किलोमीटर दूर है, बाकी ठीक है। थोड़ा सा बाहर जाती है आपको बसेस वगैरह मिल जाती है गवर्नमेंट की। गुड मॉर्निंग गाइस, मैसूर में आज पहला दिन है। टेम्परेचर सुबह सुबह ठीक है, 10 बजे के आसपास। पहला जो हम जा रहे हैं सेंट फिनोमिना कैथेड्रल चर्च है, जो कि मेरी बेस लोकेशन से तकरीबन 4 किलोमीटर है। और अगर आप मेन सिटी में कहीं भी लेंगे तो विद इन 1-2 किलोमीटर है। बहुत सारी डेस्टिनेशन है मैसूर में घूमने के लिए भी, लेकिन अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँ थोड़ी सी, या तो जैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है जैसे कि मैसूर प्लेस और ये चर्च जो मैं जा रहा हूँ सेंट फिनोमिना कैथेड्रल चर्च। अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपको याद होगा मर्द पिक्चर में दिखाया गया था। एक है यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़, बहुत वैरायटी के पैरट्स हैं वहाँ पर, लेकिन स्टिल इट्स नॉट क्लियर कि ये ओपन है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ओपन है, कुछ लोग कह रहे हैं क्लोज है। तो तकरीबन 7 किलोमीटर है, तो वो भी मुझे चेक करना है कि वो ओपन है कि नहीं। अगर वो ओपन होता है तो ठीक है, वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ पर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के वहाँ पर पैरट्स हैं, और जो कि एंट्री वगैरह शायद फ्री है, तो वो कन्फर्म करेंगे लोकेशन पर पहुँच कर। तो ऑटो हमने ले लिया है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र है जो 30 रुपये में हमने करा है सेंट कैथेड्रल चर्च जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ कर लूँ। यहाँ की सड़कें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप सड़कें देख सकते हैं। यहाँ की ज़्यादातर सड़कें साफ़ और बड़ी हैं। मैसूर है उसको वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था, लेकिन अभी वो इंदौर के पास है। तो अब चलते हैं सेंट कैथेड्रल चर्च। तो अभी हम पहुँच गए हैं सेंट फिनोमिना कैथेड्रल चर्च, जो कि 1936 में बिल्ट किया गया था। का जो डिज़ाइन है वो नियो गोथिक स्टाइल है इसका, और जो इंस्पायर्ड है ये कोलोजियन कैथेड्रल चर्च जर्मनी से इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर एक तरीके से जो यूरोपियन फील है वो देता है। अगर आप मैसूर में हैं तो ये जगह मस्ट विजिटिंग प्लेस में आती है। और अभी हम कोशिश करते हैं चलते हैं अंदर और एक बार थोड़ा सा साइड से देख लेते हैं कैसा।
यहाँ पे लोग बाग आप देख सकते हैं फोटोग्राफी वगैरह करा रहे हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में बस मुझे इतना ही पता है कि 1936 में बिल्ट किया गया था। बाकी बहुत ही खूबसूरत ये लगता है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता पीछे की तरफ भी है। ये इसका टॉप व्यू है। आप चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इसमें कि अंदर से कैसा है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पर वीडियो अलाउड है कि नहीं है, बट नोबडी स्टॉपिंग, कैमरा वगैरह तो सब यहाँ पर तो कर रहे हैं फोटोग्राफी। तो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है चर्च के अंदर, लेकिन मैं गया था, काफी अच्छे डिजाइन है। गेट वगैरह आप देख सकते हैं, इसके पूरा यूरोपियन फील आपको देगा। मैसूर में काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन यार मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उन सारी चीजों को याद कर पाऊँ। मतलब जिनकी याद में बना है, फर्स्ट बिशप थे वो मैसूर के, और वो फ्रांस में उनको फिर दफनाया गया पेरिस में, ये आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन है इस प्लेस की, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं ज्यादा डिटेल में। ये हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं चेक करने के लिए कि भाई ये सारा कैसा बना हुआ है। बहुत सही बना हुआ है, आई थिंक ये कलरफुल होता तो ज्यादा अच्छा लगता, बट अभी भी सही है। अंदर काफी नाम वगैरह लिखे हुए हैं, पोएम्स लिखी हुई है, पता नहीं क्या है। ये इसका पीछे का बैक साइड से है। तो वैसे इसको आप, अगर आप यहाँ पे थोड़ा पीसफुल प्लेस में टाइम गुजारना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। वैसे ये प्लेस विद इन 10 to 15 minutes में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कोई इसकी टिकट एंट्री फी नहीं है। ये जिस पूरी स्ट्रीट से मैं गुजर रहा हूँ, ये सैन कैट्रियल फिनोमेल चर्च से जाती है आपका मैसूर प्लेस के लिए। और इस स्ट्रीट की सबसे बढ़िया बात यह है, इस पूरी स्ट्रीट पर आपको सुनारों की दुकान मिल जाएगी। हर दूसरी दुकान यहाँ पर सुनार की है, देखिए आप।